देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो इस रेसिपी का नाम है बिहारी कढ़ी, और जो मैं कच्चे आम की पीसेस के साथ बनाऊंगी, और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यम्मी। देखने में माशाल्लाह कितना बेहतरीन लुक आ रहा है, देखने में खुशनुमा लग रहा है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं, जहाँ भी रहें शादो आबाद रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ, आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करूँगी, उसका नाम है बिहारी कढ़ी। आप लोगों ने तो वैसे बहुत सारी कढ़ी खाए होंगे, पंजाबी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, हैदराबादी, लाहौर की कढ़ी। तो मैं आज जो आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो है बिहारी कढ़ी। तो इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी, इसमें मैंने जो है कच्चे कैरी का भी इस्तेमाल किया है, जो थोड़ा कच्चा पक्का सा है खटाई के लिए पीसेस में। तो ये आ जाते हैं, ये देखें, मैंने इसको पीस के रखा था चने की दाल। ये मैंने 5 घंटा चने की दाल को, 1 पाव चने की दाल को अच्छी तरीके से वॉश करके 5 घंटा इसको पानी में भिगो दिया था। उसके बाद वॉश करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्लेंडर में डालकर इसको ग्लेंड कर लिया इस तरह से। ये देखें, बस ज़्यादा पतला नहीं है, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको ग्लेंड कर लिया। और 1 पाव मैंने दही ली थी, येरा, इस दही में ये चने का जो बैटर है लिक्विड, इसको मैंने इसमें तकरीबन ये इस तरह से, ये इस तरह से इसके 5 चम्मच मैंने इसमें 1 पाव दही के लिक्विड में मैंने ये 5 चम्मच डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। ये इस तरह से मिक्स कर दिया है, देखें, इसमें तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाला है। ये देखें, इस तरह से ये लिक्विड बैटर बन गया दही और चने की दाल का। बेसन की जगह मैं इस चने की दाल का बना रही हूँ, इसीलिए इसका नाम बिहारी कढ़ी है। तो ये देखें, इस तरह से जो मैं पकोड़े के लिए इस्तेमाल करूँगी, और इसमें जो ये 1 पाव तकरीबन समझ लें ये ट्यूब में कटे हुए आम है, खट्टे मीठे से, ये इसको मैं लेकर आई थी कच्चा कैरी था हरा, लेकिन ये आपके पक गया है तो ये इस तरह से हो गया, लेकिन ये खट्टा है। और इसको मैंने तेल में जब डालूँगी बघार के लिए, तो ये थोड़ी सी आपके मेथी है, थोड़ी अजवाइन है, और आधी चमची ज़ीरा है, और तकरीबन 1 चाय की चमची ये साबित धनिया है, और ये कुछ स्पाइस है, हसबे ज़रूरत नमक है, और आपके ये 2 चमचा पिसे हुए मिर्च है, और ये 1 चमचा हल्दी है, जिसमें मैं आधा लिक्विड में डालूँगी, जो मैंने दही और चने की दाल का लिक्विड बनाया है, और आधा मैं बघार डालूँगी, तो उसमें मसाला इस्तेमाल करूँगी। और ये कुछ थोड़े से प्याज है, 2 अदद छोटे, इसमें मैंने लहसुन भी काट के रखा है, जो एंड में मैं इस्तेमाल करूँगी तड़का डालने के लिए। और ये थोड़ी सी हरी धनिया है, और ये हरी मिर्च है 2 चमचा कटे हुए, और ये इसमें से 1/2 प्याज मैं जो है मसाले में इस्तेमाल करूँगी, और 1/2 जो है पकौड़ा बनाने में डालूँगी इस तरह से। और आपके थोड़ा कड़ी पत्ता जो है वो भी मैं बघार में इस्तेमाल करूँगी इस तरह से। ये देखें, इतना कड़ी पत्ता जो है मैंने इसको वॉश करके रखा है, और इसमें से मैं 1/2 जो है बघार में इस्तेमाल करूँगी, और 1/2 मसाले में इस्तेमाल करूँगी। तो आ जाते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाना है। और ये आपके 1.5 चमचा लहसुन, ये देखें, मैं इसमें से 1/2 स्पाइस जो मिर्ची है इसमें डाल दूँगी लिक्विड में, और 1/2 ये है आपके हल्दी भी डाल दूँगी, और ये नमक डाल दूँगी पूरा इस तरह से। इसको डालने के बाद मैं मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके इस बैटर में इसी तरह इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। कढ़ाई मैंने पहले से चढ़ाया हुआ गर्म करने के लिए, उसमें मैं ऑयल डालूँगी, उसके बाद मसाला बनाने के लिए बाकी चीज़ें डालती हूँ। तो आ जाते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाना है। ये देखिए, कढ़ाई मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था, और मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ इसमें, ये तकरीबन 2-3 चम्मच मैंने डाला है, तकरीबन 4 चम्मच हो गई है। ये डालने के बाद मैं इसमें बघार के लिए ये चीज़ें डालूँगी, ये थोड़ी सी मेथी है, ये थोड़ी अजवाइन है, जीरा है, और ये धनिया को इस तरह से क्रश करके ऐसे डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से डाल दूँगी, इसकी जैसे ही खुशबू आने लग जाएगी ऑयल में, तो फिर मैं बाकी मसाला डालूँगी, और मैं इसमें थोड़ा राई दाना भी डालूँगी, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, आपने ज़रूर डालना है। और कड़ी पत्ता भी अभी डालना है मुझे, आधा मैंने कहा था कि मैंने इतना रखा हुआ है, बघार के लिए आधा रखूँगी, और आधा मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं देखें, इसमें प्याज डाल रही हूँ, 1/2 मैं इसमें पकोड़े में इस्तेमाल करूँगी,
ज़रूरत पड़ेगा तो और मैं मज़ीद काट लूँगी। इसी तरह बारीक चॉप किया हुआ काटा बनाया हुआ है मैंने इसको, प्याज को इसी तरह कटेगा ये। और इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं लहसुन भी डाल दूँगी। ये देखिए ये लहसुन डाल दिया चॉप किया हुआ। अब ये हल्का सा बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा फ्राई होने के बाद, तो मैं बाकी इसमें स्पाइस डालूँगी जो मैंने रखा हुआ है, हल्दी मिर्च वगैरह। ये देखें ये जो मैंने दाल पीस कर रखा था ब्लेंड करके, इसमें मैंने ये प्याज डाल देना है, ये हरी मिर्ची डाल दूँगी सारा, और ये हरी धनिया डाल दूँगी, और ये स्पाइस जो मैंने आधा छोड़ा था ये डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची, और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और आपकी थोड़ी अजवाइन भी डालनी है, और नमक डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको मिक्स करके। ये देखिए थोड़ी सी अजवाइन में डाल रही है इसमें ज़ीरा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और हाजमा भी होता है। ये देखिए इस तरह से ज़ीरा भी मैंने डाल दिया और ये नमक डाल दिया। मज़ीद अगर मुझे कम लगेगा दरमियान में मैं चेक कर लूँगी मिलाते हुए, तो मज़ीद मैं डाल दूँगी। अब इसको मिक्स करने के बाद सिंपल ये है, इसको आयर में मैं पकौड़ा तल लूँगी और बाकी इसका लिक्विड बना कर के कढ़ी का आपको दिखाती हूँ। मैंने ये जो कैरी काट कर रखा था ये डाल दूँगी मैं, ये भी पकौड़े की तरह खाने में जब मुँह में आएगा तो बहुत मज़े का लगता है। इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करूँगी इसके साथ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को और मेरे तरीके से बनाएं। अगर स्किप किए हुए पूरी जो है मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी जो है ये बिहारी कढ़ी बनेगी। अब मैंने जो लिक्विड में मसाला डाल कर रखा था नमक के साथ, इस बैटर को मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा बेहतरीन लुक आया है, बिल्कुल परफेक्ट डन हो गया है। ये देखें इसमें ये मैंने जो कच्चे आम का पीस डाला था वो भी अच्छी तरह से गल गया है, ये देखें इस तरह से। और ये मैंने पकोड़ा इस तरह फ्राई कर लिया है, देखें इस तरह, ये इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और बाकी भी फ्राई कर रही हूँ डालने के लिए। तो इस स्टेज पर मैं इसको डाल दूँगी ताकि ये 5 मिनट इसके अंदर पकता रहे और इसमें ये करी से बिल्कुल भी, इसके लिक्विड से बिल्कुल ये फूल जाएगा पकौड़ा। उसके बाद मैं एंड में इसमें बघार डालूंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें बघार डालना है। ये बाकी मज़ीद मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको भी मैं फ्राई होने के बाद डाल दूंगी डायरेक्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखे मैंने ये भी फ्राई कर लिया, इसको भी मैं डाल रही हूँ इस तरह से। ये सारा इस तरह से फ्राई कर लिया, बिल्कुल अच्छा डन हो गया है ये फाइनल। आप रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें फैमिली में फ्रेंड्स में, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, और इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी अच्छी अच्छी रेसिपी की। ये इसको मैं क्या करूंगी, बघार लगाऊंगी ताकि इस तरह से कौन से मुल्क से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले। खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ करके कि आप लोग कहाँ से हमारी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं इसको बघार डालूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जिस ऑयल में आपके पकौड़ा तला था उसी ऑयल को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। मैं ये ज़ीरा डाल रही हूँ बघार के लिए, और ये प्याज भी मैं डाल दूँगी, ये देखिए इस तरह से, और ये कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी। ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बघार डाल दूँगी। तो मैंने कढ़ी तैयार कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। उसको मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा बेहतरीन लुक आया है बिहारी कढ़ी की। ये एंड में देखें मैंने कश्मीरी मिर्च जो रखा था वो डाल दिया ऑयल में, और ये सारा बघार मैंने जो डिश आउट करके रखा है बिहारी कढ़ी उसमें मैं डालूंगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन लुक आया है, ये देखें इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन लुक आया है बिहारी कढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। मैंने बघार डाल दिया है इसमें, तो इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को, बिहारी कढ़ी को बहुत मज़े की बनी है। इस तरह से मेरी रेसिपी मेरे तरीके से बनाएं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मैं मिलूँगी। तो जहाँ भी रहें खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और हाफिज़।